हेलो फ्रेंड्स, ज्योति के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी से बने वेज रोल्स। ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं। हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए गाजर ली है मैंने, पत्ता गोभी ली है, हरी मिर्च ली है, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, नमक लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, दही ली है, काली मिर्च ली है एंड सूजी ली है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम सूजी डालेंगे। जैसे मैंने एक कप सूजी ली है तो उसकी आधी कप मैंने दही ली है। देखिए थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है मैंने। देखिए अब हमें इसे जैसे आटा मलते हैं वैसे गूंथना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ दही से ही आटा मल जाएगा। देखिए धीरे धीरे हाथों से इसे मलना है। देखिए हमारा आटा मल चुका है। अब हम इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। इतनी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं इसकी। एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे गाजर। ये मैंने 1 गाजर ली है। पत्ता गोभी डालेंगे, आधा से कम पत्ता गोभी है। शिमला मिर्च लेंगे, 1 शिमला मिर्च ली है। हरी मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसमें पिज़्ज़ा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। देखिए काली मिर्च ली है। अब हम इसे स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। देखिए हमने सब चीज़ मिक्स कर ली है इसमें। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो डो बनाया था वो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हाथ से थोड़ी देर तक मल लेंगे जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। देखिए इसे हम ऐसे गोल करके स्मूथ कप बना लेंगे। देखिए नहीं, अब हम ब्रश की सहायता से ऑयल लगाएंगे। अब इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए ऐसे कर, बहुत हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर से बेलेंगे तो शायद टूट सकता है। देखिए इसे हमें लंबा ही बेलना है, याद रहे। ये हमें जितनी आप पतले कर सकते हैं उतनी पतली बना लीजिए, वरना ये कच्चा रह जाता है। देखिए ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऑन लगाएंगे जिससे हमारा अच्छे से बिल जाए। देखिए देखिए अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसमें हरी चटनी लगाएंगे। देखिए अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है इसमें पूरे में फैला देंगे। देखिए देखिए अब हम इसे रोल करेंगे। आप चाहे तो लंबे में रोल कर सकते हैं, आप चाहे तो चौड़ाई में रोल कर सकते हैं। देखिए मैं इसे लंबे में रोल कर रही हूँ। देखिए धीरे 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 रोल करेंगे, इसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। देखिए बहुत सॉफ्ट हाथों से करना है इसे। अब ऐसे करके सॉस निकल रही है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे करके अब हमने गैस पे एक कढ़ाई में थोड़ा पानी रखा है, उससे पानी का स्टैंड रखा है। देखिए उसके ऊपर मैंने छलनी स्टीम के लिए रख दी है। अब हम छलनी पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। देखिए अब हम इस पर अपने रोल रखेंगे, रोल को हम स्टीम करेंगे। हमें 10 मिनट स्टीम करना है। इतने हम और रोल बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए
अब हम रोल चेक कर लेते हैं अपने। देखिए हमारे रोल पक चुके हैं, हम एक नाइफ़ की हेल्प से देख लेंगे। रोल कच्ची नहीं है, ये पक चुके हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे पीसीस में कट करेंगे, एक नाइफ़ की हेल्प से कट करेंगे। देखिए इसे सूजी पिज़्ज़ा व्हील भी कहते हैं। देखिए अब हम इसमें छौंक डालेंगे। एक पैन रखा है मैंने, इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो जाए इसमें राई डालेंगे और इसमें 5-6 करी पत्ते डालेंगे। देखिए हमारा छौंक तैयार हो चुका है। अब हम अपने रोल्स के ऊपर इस छौंक को धीरे धीरे करके डाल देंगे। देखिए हमारे रोल तैयार हो चुके हैं, सूजी वेल्स रोल्स तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग कर देंगे। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।